अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए खिचड़ी बनाना लेकर आई हूँ। अप्रॉक्सीमेटली आप लोग इसको 3 से 5 मिनट में इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगी। उसके लिए सबसे पहले आपको लेना है जी 1 कप चावल। ये मैंने वो जो आपके राइस कुकर के साथ कप होता है वो लिया है, 250 मिलीलीटर आपने लेना है। और इसके साथ ही हाफ़ और ज़रा सा और आपने ले लेनी है मूँग दाल। याद रखें 1.5 कप मैंने यहाँ पे लिया था, इसलिए हाफ़ और ज़रा सा और मैंने इसमें मूँग दाल डाली है, वरना आप चाहें तो 1 कप भी बना सकते हैं। मैंने 1.5 कप लिया था। उसके बाद अब इसमें वाटर ऐड कर देंगे चावलों में और साथ में दाल में, और इन दोनों को भिगो देंगे 15 मिनट के लिए। भिगो दें या 20 मिनट के लिए, जैसे जिसमें सॉफ्ट हो जाए। मैं तो 15 मिनट के लिए भिगो दिया। फिर मैंने पानी को गर्म कर लिया था और 1/2 कप इसमें ऑयल डाल दिया। और फिर जी मीडियम साइज़ की प्याज ली और इसको मैंने डाल दिया। आपने इसको थोड़ी देर इसमें फ्राई करना है, ये ब्राउन नहीं करना है इसको, बस ज़रा सी देर इसका कलर चेंज होने के लिए थोड़ी सी फ्राई करना है इसको। फिर हम इसमें जो फ्राई करने के बाद ज़ीरा डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून आप शामिल कर लें ज़ीरा। और इसके बाद फिर इसको थोड़ा मिक्स भून लें ज़ीरे को। फिर जो आपने भिगो के मूँगी रखी है वो इसमें डाल दें, और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। फिर नमक डाल दें 1/2 से ज़्यादा, थोड़ा सा टेबल स्पून, और उसे अपने जायके के अकॉर्डिंगली। और फिर इसको 1 से 2 मिनट के लिए आप दाल को और इन सब चीज़ों को भून लें, अच्छी तरह भून लें। और भुनने के बाद फिर इसमें जाएंगे जी राइस जो हमने भिगो के रखे थे। फिर इनको दोबारा से आप थोड़ा सा मिक्स कर लें, अच्छे से भून लें। अब आपने जो गर्म पानी किया था इसमें गर्म पानी डालना है, और इतना पानी डालना है कि जितने आपने चावल और दाल लिए उससे 1 इंच ऊपर हो पानी, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अब वेट लगाने के बाद जब विसल चलेगी उसके बाद से आपने इसका टाइम रखना है, 3 से 5 मिनट आप इसको लगाएं और फिर उतार दें, और फिर इसका ठंडा होने का वेट करें। आपने ये इसकी जब नीचे चली मेख नीचे चली जाए आपने तब उसको ओपन करना है, खुद से पहले नहीं ठंडा करके, वेट उठा के नहीं ठंडा करना। तो अब देखें आपके सामने मैंने कुकर ओपन किया और इतने अलग किस्म की खिचड़ी तैयार है जी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।